हेलो दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो पिछले कुछ दिनों में आपने अपने शहर में इस तरह का सीन जरूर देखा होगा। साथ ही आपने एयर पॉल्यूशन से जुड़ी काफ़ी ऐसी खबरें भी देखी होंगी कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुकी है और यहाँ का AQI लेवल 500 को भी क्रॉस कर चुका है। इस हवा में सांस लेने से उतना ही हार्म होगा जितना 25 से 30 सिगरेट पीने में होता है। दोस्तों, दिल्ली की हवा को इस कदर जहरीली बनाने में 34% कंट्रीब्यूशन है स्टबल बर्निंग का, जिसे पराली जलाना भी कहते हैं। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में किसान पराली जलाते हैं, जिससे आसपास की सभी सिटीज़ में भयंकर एयर पॉल्यूशन हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 23 मिलियन टन पराली जलाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों, दुख की बात यह है कि इस सीरियस इशू को लेकर जमकर पॉलिटिक्स चल रही है। आप सरकार कह रही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है, BJP के मंत्री आप पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस दोनों पार्टी से क्वेश्चनिंग कर रही है। इन सब के बीच सफ़र कौन कर रहा है? आम जनता, आप और हम। पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर किसान ऐसा क्यों करते हैं, जबकि वो खुद भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें बाकी लोग ले रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि उनको कोई शौक नहीं है पराली जलाने का और उनको मजबूरी में उसमें आग लगानी पड़ती है। लेकिन इस मजबूरी की वजह क्या है? क्या इस सिचुएशन का जिम्मेदार सिर्फ किसान ही है, या सरकार की खराब नीतियाँ हैं, या फिर हमेशा की तरह करप्शन और वोट बैंक पॉलिटिक्स? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं इस सीरियस इशू को और देखते हैं कि इस समस्या की एक्चुअल जड़ कहाँ है और इसका क्या समाधान हो सकता है। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई है। पराली जलाने से स्वास्थ्य के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है। बठिंडा से लेकर मुजफ्फरनगर तक किसान पराली जलाने पर लगी रोक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। But singling out firecrackers on one day will not solve the problem. क्या हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या केवल केजरीवाल को गालियां देना हमारा मकसद है? अगर केजरीवाल को गालियां देने से देश का पोल्यूशन कम होता हो, दो, खूब जम के दो। लेकिन केजरीवाल को गाली देने से प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा ना, समाधान तो निकालना पड़ेगा। आइए दोस्तों, पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि पराली क्या होती है और इसे क्यों जलाया जाता है। दरअसल चावल की जो फसल होती है, जिसे पैडी क्रॉप या धान भी कहते हैं, इस फसल का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें चावल का दाना होता है, उसे काट लेते हैं, और नीचे का हिस्सा होता है जिसकी जड़ें धरती में होती है, वो किसी काम का नहीं होता, उसे पराली कहते हैं। आजकल धान की फसल की कटाई जल्दी और आसान करने के लिए किसान हार्वेस्टर मशीन का यूज़ करते हैं दोस्तों। ये मशीनें धान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा तो काट देती हैं, लेकिन जो नीचे का हिस्सा होता है, जो ज़मीन में गड़ा रहता है, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। अब होता क्या है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में इन किसानों को रबी की फसल के लिए, यानी व्हीट उगाने के लिए, खेत खाली करने होते हैं। तो अपने टाइम को बचाने के लिए ये किसान उस ज़मीन में गड़ी हुई पराली को काटने के बजाय उसमें आग लगा देते हैं, जो कि उनके हिसाब से सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है उस पराली को वहाँ से हटाने का। ऑब्वियसली इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पर, जिसमें सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन ही है, जिससे पूरा का पूरा सिटी एक स्मॉग से ढक जाता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, उनके लंग्स में इन्फेक्शन होता है, उनकी आँखों में जलन होती है। दूसरा, पराली जलाने से मिट्टी में पाए जाने वाला राइजोबिया बैक्टीरिया भी मर जाता है। राइजोबिया बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद नाइट्रोजन को ज़मीन में पहुंचाता है दोस्तों, जो कि एक तरीके से नेचुरल फर्टिलाइज़र यानी खाद का काम करती है, जिससे खेत की पैदावार क्षमता बढ़ती है। लेकिन इस बैक्टीरिया के मरने से ऑब्वियसली मिट्टी की पैदावार कम हो जाती है। तीसरा, पराली जलाने से अर्थफॉर्म्स यानी केचुआ भी मर जाता है। आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा कि केचुओं को किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, पोरस बनाता है, जिससे उसकी पैदावार क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही उनकी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, वो सॉइल को और उपजाऊ बनाता है। तो देखा जाए तो किसानों ने अपने दो दोस्तों को तो ऐसे ही जला डाला। अब क्योंकि सॉइल की प्रोडक्टिविटी लो हो चुकी है, तो उसको बढ़ाने के लिए उनको ऊपर से नाइट्रोजन वाली खाद डालनी पड़ती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है और किसानों को मिलने वाला मुनाफा एक्चुअली घट जाता है, और ऑब्वियसली हेल्थ के लिए तो ये हार्मफुल है ही। दोस्तों, अब आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है, किसानों को अगर इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट कर देते हैं तो शायद वो पराली नहीं जलाएंगे। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, जो किसान पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं, क्या उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा? सच तो यह दोस्तों कि उन्हें ऑलरेडी इसकी नॉलेज है कि पराली जलाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये सब जानकर भी उनको पराली क्यों जलानी पड़ती है? एक्चुअली इसकी जड़ को समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। दोस्तों, बात है 1960 के दशक की, जिस समय भारत एक बहुत ही भयंकर अकाल से गुजर रहा था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑल टाइम लो पर था, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही थी, हमारी खेती बाड़ी के तरीके भी पुराने हो चले थे और हम पूरी तरह मौसम पर डिपेंडेंट थे।
ऊपर से हमारी जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए भारत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया, जिसके लिए सबसे पहले पंजाब को चुना गया। इसके तहत एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजीज यूज की गई, नई नई वैरायटीज की हाई प्रोडक्टिव सीड्स को यूज किया गया वीट, राइस, मक्का की फसलों को उगाने के लिए। नाइट्रोजन रिच केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाने लगा। जब ये सब हो रहा था दोस्तों, तो उसी समय ये पाया गया कि अगर इंडिया को अपने खाने की समस्या को रिजॉल्व करना है तो किसानों को समर्स में राइस और विंटर्स में वीट उगाना पड़ेगा। ये दोनों ही चीज़ें इंडिया का स्टेपल फूड है, यानी मूल भोजन है, जो कि हर घर में खाया जाता है और इंडिया को न्यूट्रिशन पहुँचाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने दोनों फसलों पर सब्सिडीज भी देना चालू कर दिया, ताकि किसानों को मोटिवेशन मिले इन दोनों फसलों को उगाने के लिए। इसके अलावा आज की डेट में गवर्नमेंट इन दोनों क्रॉप्स पर फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की गारंटी भी देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि अगर किसी वजह से चावल और गेहूं का मार्केट में सेलिंग प्राइस गिरता है तो भी उसका असर फार्मर्स पर नहीं आएगा और गवर्नमेंट फार्मर्स से गेहूं और चावल खरीद लेगी एक पहले से फिक्स किए गए प्राइस पे। तो किसानों को एक मिनिमम इनकम की गारंटी भी मिल गई कि कल को कुछ भी हो, कम से कम इतना पैसा तो उनको मिलेगा ही। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो अच्छा ही स्टेप है जिससे हर कोई खुश होगा, गवर्नमेंट भी, फार्मर्स भी और आम जनता भी, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। और इन सब इनिशिएटिव्स के बहुत ही भयंकर परिणाम हुए हैं। एक्चुअली हुआ यह है कि इन सब पॉलिसीज की वजह से पंजाब और हरियाणा के ऑलमोस्ट सभी फार्मर्स ने दाल, कॉर्न और बाकी फसलों की खेती बंद कर दी और सब लोग समर्स में राइस और विंटर्स में वीट उगाने लग गए। दोस्तों शायद आपको मालूम होगा कि राइस एक बहुत ही वाटर इंटेंसिव फसल है, मतलब इसकी सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा रीजन का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा ड्राई है और बारिश भी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ईस्टर्न इंडिया वगैरह में होती है। तो पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन सभी फार्मर्स ने ट्यूबवेल के जरिए ज़मीन से पानी निकालना चालू किया, जिससे हुआ ये कि ग्राउंड वाटर डेंजरसली लो लेवल तक पहुंच गया। दोस्तों पानी की इस कमी के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने 2009 में एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग केवल मानसून आने के बाद ही किसान राइस की फसल को उगा सकेंगे। पंजाब में मानसून मिड जून के आसपास आता है, यानी जो राइस वो अप्रैल मई में उगाते थे वो अब एक डेढ़ महीना लेट उगा सकेंगे। अब क्योंकि राइस की फसल को लेट उगाते हैं तो इसकी कटाई भी लेट होती है और तब तक वीट के ग्रो करने का सीजन आ जाता है। तो जनरली वीट मिड नवंबर के आसपास उगाया जाता है। अगर इसमें डिले होता है तो फसल की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है। तो इफेक्टिवली फार्मर्स के पास हफ्ता 10 दिन का समय बचता है राइस और वीट की क्रॉप के बीच में, जिसमें उन्हें पुरानी फसल को काटना भी है और नई फसल के लिए मिट्टी को तैयार भी करना है। मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उनको पराली को जमीन से निकालना पड़ेगा, जिसका सबसे क्विक तरीका है कि इसमें आग लगा देते हैं। 2009 से पहले जब राइस जल्दी उगाते थे तब इसकी कटाई होती थी सितंबर में, तो पराली तो तब भी जलाते थे, पर अगस्त और सितंबर में जो हवाओं का पैटर्न है वो स्मोक को दिल्ली की तरफ पुश नहीं करता, प्लस मौसम भी इतना ठंडा नहीं होता। ठंडी हवा एक्चुअली थोड़ी डेंस होती है, भारी होती है और वो इतनी स्पीड से फ्लो नहीं करती, प्लस उसमें पॉल्यूशन और स्मोक के पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा कि विंटर्स में हमेशा थोड़ा हेजी हेजी सा लगता है और एयर पॉल्यूशन भी थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि एयर पॉल्यूशन की मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2009 के इन्हीं सब रेगुलेशंस के बाद से। कितनी वियर्ड बात है ना दोस्तों कि हमने पानी को बचाते बचाते हवा को भयंकर तरीके से पॉल्यूट कर दिया। दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या और कोई तरीका नहीं है पराली को ज़मीन से साफ करने का? तो इसका जवाब है हाँ। बेसिकली पराली को ज़मीन से साफ करने के प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, यानी CRM। CRM को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक इन सितु CRM और एक एक्स सितु CRM। इन सितु का मतलब होता है कि पराली को खेत से निकाल कर खेत में ही खाद की तरह यूज़ कर लेना, और एक्स सितु का मतलब होता है कि पराली को खेत से बाहर ले जाकर फिर उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और फिर किसी और इंडस्ट्री में यूज़ करना। जैसे खेत के बाहर पराली को बिजली बनाने के काम में लिया जा सकता है, या उससे डिस्पोजेबल क्रॉकरी या डेकोरेशन के आइटम्स बना सकते हैं, या फिर सिंपली पशुओं को चारा डालने के काम में लिया जा सकता है। इनफैक्ट कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिस्टिलरीज भी सेटअप की हुई हैं जो कि पराली को यूज़ करके इथेनॉल बनाती हैं। पर एक्सितु ऑप्शंस में प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इसमें पराली को इकट्ठा करना और फिर उसको बेलिंग मशीन का यूज़ करके बेल बनाना और खेत से बाहर ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा होता है वो किसानों को उठाना पड़ता है। इसलिए किसानों को सबसे सस्ता ऑप्शन लगता है कि पराली में आग लगा दो। दोस्तों इन सितु कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन है माइक्रोब पूसा बायो डिकम्पोजर, जो कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI ने प्रपोज किया था। उनके अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन को पराली पर छिड़क दें तो 15-20 दिनों में वहीं पड़े पड़े पराली खाद बन जाएगी और मिट्टी में ही घुल जाएगी। इस इनिशिएटिव को पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब पूसा इंस्टीट्यूट ने जो घोल बनाया है, इस घोल की वजह से उसके बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया एक तरफ कायम रहते हैं, धुआं भी नहीं होता, उल्टे
वो खाद बन जाती है पराली, और वो उस मिट्टी को और ज्यादा अच्छा बना देती है, जिससे कि आगे फसल और अच्छी होती है। हालांकि 2022 की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। काफी फार्मर्स कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ही लेट प्रोसेस चालू किया छिड़काव का, तब तक तो काफी फार्मर्स ऑलरेडी पराली जलाकर दूसरी फसल उगा चुके थे। सही समय था जब ये आए नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की या जिसकी भी फटकार इन लोगों को लगी है, उसके बाद बार बार मेरे पास फोन आ रहे हैं कि उन लोगों को स्प्रे के लिए बोलो। अब तो फसल उग गई, हो गया काम, है पोल्यूशन जितना बढ़ना था बढ़ गया, वो तो पीछे से आया दिल्ली वालों ने, तो फिर भी अपने जेब से खर्चा करके ही जुताई बुआई की रही है। हालांकि पंजाब में जब इस पे फील्ड ट्रायल्स किए गए तो देखा गया कि इसमें अराउंड एक महीना या उससे ज्यादा का टाइम लग रहा है पराली को एक्चुअली में डीकम्पोज होने में, इसलिए पंजाब में बहुत ही कम फार्मर्स ने बायो डिकम्पोजर का यूज किया है। इन सीतु कैटेगरी में जो दूसरा मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन आता है दोस्तों, वो आता है एक कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं सुपर SMS एंड हैप्पी सीडर। सुपर SMS होता है सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे फिट हो जाता है। जहां एक तरफ कंबाइन हार्वेस्टर फसल की कटाई करता है, वहीं सुपर SMS मशीन पीछे रह गई पराली को काटकर खेत में बराबर तरीके से स्प्रेड कर देती है। इससे मिट्टी को नेचुरल खाद मिलती है और उसका मॉइस्चर भी बना रहता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत खत्म हो गई और पानी भी कम लगेगा, तो इसमें पर एकड़ प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसके बाद यूज़ किया जाता है दोस्तों हैप्पी सीडर मशीन का। ये एक अमेजिंग मशीन है जिससे तीन काम एक साथ हो जाते हैं। पहला तो ये मशीन राइस की पराली जो अभी भी ज़मीन में रह गई है उसको जड़ से निकाल देती है, उसके बाद मिट्टी में गेहूं का बीज बोती है, और तीसरा बीज बोने के बाद मिट्टी के ऊपर उस निकली हुई पराली को ढक देती है, जिससे धूप होने के बावजूद भी उस मिट्टी की नमी बनी रहती है। पर हैप्पी सीडर को यूज़ करने के लिए ट्रैक्टर 50 से 55 हॉर्स पावर और डबल क्लच वाला होना चाहिए। दोस्तों ये भी एक मेजर चैलेंज है जिसकी वजह से कुछ किसान इसे खरीदने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिर नए ट्रैक्टर में भी इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सुपर सीडर मशीन का, जिसे कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई के बाद यूज़ किया जाता है। ये मशीन पराली को काटकर गेहूं का बीज बो सकती है और साथ ही पूरे खेत को एकदम यूनिफॉर्म लुक देती है। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले फार्मर्स को उस पराली में आग लगानी पड़ती है जो कि कंबाइन हार्वेस्टर ने छोड़ी थी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से दो तरीके की पराली होती है, एक जो कंबाइन हार्वेस्टर के यूज़ करने के बाद कट कर खेत में गिर गई यानी लूज पराली, दूसरी जो अभी भी ज़मीन में धसी हुई है यानी स्टैंडिंग पराली। सुपर सीडर यूज़ करने से पहले किसानों को उस लूज पराली में आग लगानी पड़ती है, बाकी जो दो तिहाई स्टैंडिंग पराली है वो तो सुपर सीडर मशीन के चलने के बाद कट जाती है और सॉयल में मिक्स भी हो जाती है। इस तरह पराली के जलने के इंसिडेंट्स को करीब दो तिहाई तक कम किया जा सकता है इस मशीन को यूज़ करके। पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से सुपर SMS मशीन की कॉस्ट आती है दोस्तों 1.08 लाख और हैप्पी सीडर मशीन की कॉस्ट होती है 1.57 लाख, यानी टोटल हुआ 2.65 लाख। इस पे फार्मर्स को 50% और फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी को 80% तक सब्सिडी भी मिलती है, जिससे 3 लाख की मशीनें 60,000 रुपये में मिल सकती हैं। पर दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारे भारत में हर जगह करप्शन है, तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कैसे नहीं होगा। अभी एक न्यूज़ आई थी कि पंजाब में जो पिछली सरकार थी उन्होंने 150 करोड़ रुपये का स्कैम किया इस क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की मशीन्स को लेकर। इस न्यूज़ के हिसाब से करीब 11,000 CRM मशीन्स मिसिंग है। मेरा ओपिनियन ये है कि वो सिर्फ कागजों में खरीदी गई होंगी और एक्चुअल में कभी खरीदी ही नहीं गई। पंजाब गवर्नमेंट के DIPR डिपार्टमेंट की वेबसाइट के हिसाब से उन्होंने इस साल 300 करोड़ रुपये एलोकेट किए हैं किसानों को सब्सिडी देने के लिए। इनके हिसाब से इस साल 7,000 फार्मर्स और 5,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 23,500 मशीनें दी जाएंगी करीब 50 से 80% तक सब्सिडी देकर। साथ ही इन सब मशीनों को प्रोक्योर करने के लिए सरकार ने 285 मैन्युफैक्चरर्स को भी एम्पैनल किया है। अब दोस्तों जरा इस डेटा पर नज़र डालिए, जहां एक तरफ हरियाणा और यूपी में काफ़ी कम इंसिडेंट्स हुए हैं पराली जलने के। जानकारों का कहना है कि इसके 2 या 3 मेन रीजंस हैं। एक तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत इन सितु और एक्स सितु मैनेजमेंट के लिए किसानों को 1,000 रुपये पर एकड़ इंसेंटिव देने का फैसला किया है। इसकी सक्सेस को देखते हुए पंजाब के CM भगवंत मान का कहना है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा था कि धान की खेती करने वालों को 2,500 रुपये पर एकड़ इंसेंटिव दिया जाए, ताकि वो पराली को ना जलाएं और उसको मैनेज और स्टोर करने का खर्चा उठा पाएं। इस 2,500 रुपये में 1,500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 1,000 रुपये पंजाब और दिल्ली गवर्नमेंट बियर करेंगी, पर यह प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि 1,500 रुपये सानू सेंटर दे दे, 500 रुपया दिल्ली सरकार अपने वालों पाऊगी, 500 रुपया पंजाब सरकार पालूगी, 2,500 रुपया पर एकड़ असी किसानों जे वित्तीय सहायता दे दिए तो वह ये कुछ पैसे खर्च के जो दिहाड़ियाँ लगनगे उन्होंने खर्च के ये पराली एक पासे रख लैणगे, पर सेंटर ने उन्होंने मनिया नहीं। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है,
कि क्या हम हमेशा ऐसे ही फ्री की सब्सिडीज और फ्री में पैसा बांटने की राजनीति करते रहेंगे? क्या ये टैक्स पेयर्स मनी का सही यूसेज है? अगर हम फ्री में बिजली, पानी, गैस सब्सिडीज देते रहेंगे तो स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देना है, वो सब कैसे होगा? दोस्तों, मेरा ये मानना है कि सब्सिडी देना एक बहुत ही शॉर्ट टर्म और बहुत ही अनसस्टेनेबल सॉल्यूशन है। दोस्तों, आइए अब कुछ प्रैक्टिकल और लॉजिकल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये होना चाहिए कि इस रीजन में जहां बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती, वहां पर राइस की फसल के बजाय बाकी फसलें जैसे मक्का, मूंगफली, अरहर की दाल, उड़द की दाल, दूसरे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह, ये सब उगाना चाहिए। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दाल के लिए फिलहाल इंडिया को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, पिछले साल इंडिया ने 27 लाख टन दाल इम्पोर्ट की, जिसकी कुल वैल्यू थी 16,627 करोड़ रुपए। सोचिए, अगर ये इंडिया में ही उगने लगी तो हम सेल्फ सफिशिएंट नेशन बन सकते हैं दालों को लेकर। और हाँ, कुछ दालें तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, तो फार्मर्स को ये भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि उनके दाम अगर कम हो गया या गिर गया मार्केट, तो उनको मिनिमम इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा, इन फसलों में पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो किसानों को मानसून तक वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राउंड वाटर, जो कि हर साल 33 सेंटीमीटर कम हो रहा है पंजाब में, वो भी नहीं होगा। इस रीजन में फसलों की वैरायटी भी बढ़ेगी। आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा कि अगर अलग अलग फसलें उगाते हैं तो मिट्टी उपजाऊ यानी फर्टाइल बनी रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब जल्दी फसलें उगा लेंगे तो सितंबर तक उनकी कटाई भी हो जाएगी, जिससे करीब 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा पराली को मैनेज करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और हाँ, घबराइए मत, इंडिया एक राइस सरप्लस देश है। 2021-22 में इंडिया ने 130 मिलियन मैट्रिक टन राइस प्रोड्यूस किया था, और नीति आयोग के हिसाब से इंडिया में जो राइस की डिमांड होगी 2022-23 में, वो होगी 109 मिलियन मैट्रिक टन। यानी अभी भी 21 मिलियन मैट्रिक टन राइस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है। पंजाब और हरियाणा करीब 15% कंट्रीब्यूट करते हैं राइस प्रोडक्शन में, यानी करीब 19.5 मिलियन मैट्रिक टन। यानी पंजाब और हरियाणा आज राइस की फसल बंद भी कर दें तो भी हमारे देश में 2 मिलियन मैट्रिक टन राइस एक्स्ट्रा होगा। दोस्तों, अशोक गुलाटी, जो कि चेयरमैन है कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के, उनका भी यही मानना है कि लॉजिकली राइस को ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर उगाना चाहिए, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी, झारखंड वगैरह। इसका दूसरा सॉल्यूशन है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के नए तरीकों में मदद करना। दोस्तों, दिल्ली, NCR, गुड़गांव, नोएडा, मोहाली वगैरह में इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं। ऑलरेडी इन प्राइवेट कंपनीज का एक CSR बजट होता है, जो वो सोशल कॉजेज में डोनेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर इनमें से आधी कंपनीज भी अपने CSR बजट में से थोड़ा सा बजट यूज़ करके सिर्फ 2-2 मशीन्स भी डोनेट करेंगी, तो काफ़ी फार्मर्स के पास क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए ये मशीन पहुंच जाएंगी, और उन्हें रेंट के लिए अपनी टर्न का वेट करना नहीं पड़ेगा, और वो अपने हिसाब से फसल की कटाई और खेती कर पाएंगे। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018-19 में करीब 15 कंपनीज ने आगे बढ़कर हेल्प करने का इंटरेस्ट शो किया था पंजाब गवर्नमेंट को। इसके अलावा एक्सितु मैनेजमेंट के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुली इस काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, यानी CEEW की रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है, जिसके ऑथर्स हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के LS कुरिंजी और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के संकल्प कुमार। इनकी रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें इन सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी, फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सप्लाई चेन प्रोवाइडर्स, बायर्स, लेबर, स्टोरेज प्रोवाइडर्स। इनमें सप्लाई चेन सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो बेलर्स और रेकर्स की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और फार्मर्स के खेत में से पराली को इकट्ठा करके उसकी बेल्स बनाकर स्टोरेज फैसिलिटी तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिसे स्ट्रॉ बैंक कहा जाएगा। ये स्ट्रॉ बैंक 15 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा और ये इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉ बैंक से इसको एंड यूज़र तक पहुँचाया जाएगा। ये भी तभी बिजनेस सेंस बनाएगा जब स्ट्रॉ बैंक से एंड यूज़र का डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम होगा। एंड यूज़र का मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉ को जो फाइनली यूज़ करके कोई वैल्यूएबल चीज़ बनाएगा, जैसे बायोमास पावर प्लांट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, खाद बनाने वाली कंपनियाँ, एनिमल फार्म हाउसेज जहाँ पे जानवरों के लिए चारा और भूसे की ज़रूरत पड़ती है, पेपर बेस्ड या कटलरी बनाने वाली कंपनीज वगैरह वगैरह। यहाँ पर जिक्र करना बनता है दोस्तों IIT दिल्ली में इनक्यूबेट हुआ एक स्टार्टअप का, जिसका नाम था क्रिया लैब्स। वो पराली को यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी बनाते हैं। दूसरा, इस रिपोर्ट के हिसाब से इस पूरे इकोसिस्टम को डिजिटली एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिस पे फार्मर्स अपनी पराली के कलेक्शन की रिक्वेस्ट डाल पाएँ, सप्लाई चेन सर्विस प्रोवाइडर्स उस रिक्वेस्ट को पूरा करके स्टोरेज बैंक तक पहुँचाएँ, और एंड यूज़र्स वहाँ पे इन्वेंट्री को चेक करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से पराली को ऑर्डर कर पाएँ, और फिर सप्लाई चेन प्रोवाइडर्स उस पराली को स्टोरेज बैंक से एंड यूज़र्स तक पहुँचा पाएँ।
फिलहाल 10-15 कंपनीज हैं दोस्तों जो एक्स सिद्धू मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पंजाब में। इनफैक्ट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक पोर्टल है जिसे ई नैम पोर्टल कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट पोर्टल, जो कि फार्मर्स को, ट्रेडर्स को और गवर्नमेंट को ऑलरेडी कनेक्ट करता है और उनको प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है। उसी पोर्टल के फीचर्स एनहेंस करके क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए भी उसको यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि जो किसान पराली जलाते हैं उनको दंड देना चाहिए, उन पर फाइन लगाना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्रावधान रखा भी हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये तो एक पोस्टमार्टम की तरह हो गया, क्योंकि पराली तो ऑलरेडी जली गई ना, मतलब पॉल्यूशन तो ऑलरेडी हो ही गया। इसके बजाय इकोसिस्टम ही जब ऐसा डेवलप हो जाएगा कि किसानों को ये लगेगा कि पराली एक्चुअली एक बोझ नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल आइटम है जिसको बेच के भी वो पैसा कमा सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो ऐसा करेंगे ही नहीं। ना उनको सब्सिडी देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सब्सिडी के नाम पे करप्शन होगा। और ये सब सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करके हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। हम पानी को भी बचा रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन भी ख़त्म कर रहे हैं, हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी बचा रहे हैं, हम खाने की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं, दालों के इम्पोर्ट की जो कॉस्ट है हम उसको भी बचा रहे हैं, लोगों को रोज़गार और जो नया एक इकोसिस्टम डेवलप करना है हम वो भी कर रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों आपको क्या लगता है इन सॉल्यूशंस के बारे में, या अगर आपका कोई सजेशन है, कोई इनोवेटिव आइडिया है आपके पास जो कि आपको लगता है कि उससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आप प्लीज़ कॉमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही, उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नए सुपर नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।